हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉगिन पेज को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन पेज को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाता हूँ एंड न्यू प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने बहुत सारी एक्टिविटी ओपन होंगी। तो हम एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक कर देते हैं एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे एंड हम नेम में लिख देंगे लॉगिन पेज। ये होने के बाद आप पैकेज नेम चेंज कर सकते हो एंड सेव लोकेशन, ये जो प्रोजेक्ट रहेगा वो कहाँ पे सेव होगा, ओके। एंड लैंग्वेज आपको जावा ही सिलेक्ट करनी है। एपीआई आप 21 रख सकते हो एंड हम अभी फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक हम वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। यहाँ पे लिख के आ रहा है स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स, ओके। अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अभी हम स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन रन होती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन के नेम से। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू एक्टिविटी में जाना है, एम्प्टी एक्टिविटी में जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है स्प्लैश स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन लिख दिया है। अभी मैं लॉन्चर एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी रहेगी, ओके। एंड इसके बाद हम फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने फिनिश बटन पे टैप किया तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुके हैं। अगेन हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल इम्पोर्टिंग स्क्रिप्ट क्लास डेटा, ओके। तो अभी अगेन हम एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसे कोई यूज़र स्प्लैश स्क्रीन पे चला जाता है उसके बाद एक रजिस्टर एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए, इसलिए हम एक रजिस्टर एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करेंगे अगेन एंड यहाँ पर हम रजिस्टर के नेम से एक एक्टिविटी क्रिएट कर देंगे एंड फिनिश बटन पर क्लिक करना है आपको। अगेन हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन इंपोर्ट फिनिश हो चुका है। अगेन हम एक लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, अगेन एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी एंड यहाँ पे हम लिख देंगे लॉगिन एंड फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। अगेन यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है तो हम वेट करते हैं फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। अभी हम सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन पे वर्क करेंगे। तो स्प्लैश स्क्रीन पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन में चला जाता हूँ लेआउट फाइल में, ओके। एंड ये जो स्प्लिट दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हम एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ से अभी हम कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करेंगे रिलेटिव लेआउट में। तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा रिलेटिव लेआउट एंड आपको विड्थ एंड हाइट मैच पैरेंट ही रखनी है एंड यहाँ से हम एंटर करेंगे एंड हम भी हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड को कलर देंगे हम #407E91, ओके। ये आपको कलर सिलेक्ट कर देना है एंड इसके बाद अभी हम स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट करेंगे। तो स्प्लैश स्क्रीन में हमारा एक इमेज व्यू रहेगा एंड एक टेक्स्ट व्यू रहेगा, इसलिए हम इमेज व्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। इमेज व्यू एंड इसको एंटर करेंगे। विड्थ हम 130 dp रख देंगे एंड हाइट भी 130 dp एंड यहाँ से हम सोर्स को सिलेक्ट कर देंगे कोई भी इमेज। तो मैं आईसी लॉन्चर राउंड रख देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है एंड हम इसको सेंटर इन पैरेंट में लेके आ जाते हैं, सेंटर इन पैरेंट ट्रू, ओके। एंड मैं इमेज यू को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा इमेज यहाँ पे शो हो रहा है। इसके नीचे हम कोई भी ऐप का नेम शो करेंगे तो हम यहाँ से टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट व्यू टाइप कर देता हूँ एंड विड्थ आपको रैप कंटेंट रखनी है एंड हाइट भी आपको रैप कंटेंट रखनी है। मैं सबसे पहले इसकी आईडी डिक्लेयर कर देता हूँ, आईडी @ID ऐप नेम
सेम आपको इमेज व्यू की भी आईडी दे देनी है, id@id एप स्प्लैश, ओके ये आपको रख देनी है। इसके बाद अभी हम टेक्स्ट लिख देंगे कोई भी, जो भी हमारा ऐप का नेम रहेगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड हमारा ऐप का नाम है लॉगिन पेज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन पेज। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है लॉगिन पेज, तो हम सबसे पहले टेक्स्ट कलर दे देंगे, शो नहीं हो रहा है इसलिए हम टेक्स्ट कलर ब्लैक रख देंगे, तो #000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर शो हो रहा है प्रॉपरली। तो लेआउट बिलो हम रख देंगे, हम रिलेटिव लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो हम लेआउट बिलो यूज़ कर सकते हैं, लेआउट बिलो @id एंड इसके नीचे रहना चाहिए इसलिए ऐप स्प्लैश रख देते हैं हम @ApsSplash में यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा इसके नीचे आ चुका है, मैं अगेन एंटर करूँगा एंड यहाँ से हम टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इसका, यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है। टेक्स्ट साइज हम रख देंगे 25 dpi, अगेन एंटर करेंगे एंड टेक्स्ट स्टाइल हम बोल्ड कर देंगे एंड यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे सेंटर में, इसलिए सेंटर इन पैरेंट ट्रू कर देंगे हम, सॉरी सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, बट इसके नीचे डायरेक्ट है इसलिए हम थोड़ा मार्जिन टॉप देना पड़ेगा हमें, तो मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ यहाँ से 30 dpi, यस 30 dpi इज इनफ, ओके। तो आप देख सकते हो अभी हमारा स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पे ब्लैक कलर का अच्छे से शो नहीं हो रहा है इसलिए हम चेंज करेंगे इसको। तो मैं यहाँ से इसको वाइट कलर में चेंज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो अभी प्रॉपर शो हो रहा है। तो कोई भी यूज़र आएगा तो सबसे पहले उसको स्प्लैश स्क्रीन शो होगी, उसके बाद वो रजिस्टर पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा, ओके। तो अभी हम सबसे पहले splashscreen.java को ओपन कर देते हैं एंड इसका कोडिंग वर्क हम स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो सबसे आपको न्यू हैंडलर का यूज़ करना पड़ेगा स्प्लैश स्क्रीन में, आपको सब पता है। तो हम न्यू हैंडलर यहाँ पे लिख देंगे, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले न्यू रनेबल। तो आप देख सकते हो ये मेथड को आपको सिलेक्ट कर देना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा कोड आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे कॉमा देना है एंड यहाँ पे सेकंड लिखना है आपको कितने मिली सेकेंड के लिए स्प्लैश स्क्रीन शो करनी है, तो 3500 हमने लिख दिया एंड इसको आपको क्लोज कर देना है सेमी कॉलन से एंड यहाँ से आपको इंटेंट पास कर देना है आपको किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में रिडायरेक्ट होना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स एंड हमें जाना है गेट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स मीन्स इस एक्टिविटी का नाम मीन्स स्प्लैश स्क्रीन डॉट जावा, ये होता है गेट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स, ओके। अभी हमें किस एक्टिविटी में जाना है तो रजिस्टर में जाना है, क्योंकि कोई भी यूज़र आएगा तो सबसे पहले उसको स्प्लैश स्क्रीन शो होगी, उसके बाद रजिस्टर एक्टिविटी शो होगी, इसलिए हम रजिस्टर डॉट क्लास पे हम क्लिक कर देंगे, ओके रजिस्टर डॉट क्लास। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है स्प्लैश स्क्रीन का। अभी हम रजिस्टर में चले जाएंगे, तो सबसे पहले हमें लेआउट फाइल ओपन करना होगा, तो मैं रिसोर्स में चला जाता हूँ लेआउट एंड एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामल को मैं ओपन कर देता हूँ एंड ये जो स्प्लिट है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो अभी हम एक्टिविटी रजिस्टर में आ चुके हैं। अभी हम सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, सेम हम रख देंगे इसी लेआउट को, तो बैकग्राउंड में यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आपको कौन सा सिलेक्ट करना है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस बैकग्राउंड की इमेज, ओके। तो सबसे पहले हम फाइल मैनेजर में चले जाते हैं, इस बैकग्राउंड को हम कॉपी करेंगे एंड ड्रॉएबल में जाएंगे एंड पेस्ट कर देंगे, ओके। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, अगेन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको वही सिलेक्ट करना है @ड्रॉएबल बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन का बैकग्राउंड आ चुका है। अभी आपको सबसे पहले टेक्स्ट व्यू को शो करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें साइन अप का पेज है इसलिए ये शो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे साइन अप लिख देंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट व्यू, इसकी विड्थ रखेंगे हम रैप कंटेंट एंड हाइट भी हम रखेंगे रैप कंटेंट। आपको यहाँ से टेक्स्ट भी दे देना है, तो टेक्स्ट साइन अप रख देंगे हम
इसके बाद आपको टेक्स्ट कलर भी सिलेक्ट करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर सिलेक्ट कर देता हूँ वाइट हैश ट्रिपल एफ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन अप शो हो रहा है। मैं अभी एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ से हम टेक्स्ट साइज को भी इंक्रीज करेंगे थोड़ा, तो टेक्स्ट साइज हम रख देंगे 35 SP। एंड यहाँ से आपको टू बॉटम ऑफ करना है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेआउट कंस्टिट्यूएंट बॉटम, तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे कंस्टेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ, पैरेंट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। आपको एंटर करना है यहाँ से अगेन एंड अभी सेम आपको एंड में सिलेक्ट करना है लेआउट एंड आपको, ठीक है, तो लेआउट कंस्टिट्यूएंट एंड टू एंड ऑफ, यहाँ से भी आपको पैरेंट सिलेक्ट कर देना है, अगेन आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको टू स्टार्ट ऑफ, टू स्टार्ट ऑफ भी आपको पैरेंट सिलेक्ट करना है, अगेन आपको अभी आपको टू टॉप ऑफ भी सिलेक्ट करना है यहाँ से, इसको यहाँ से अगेन आपको पैरेंट सिलेक्ट कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो रहा है, अभी हम यहाँ से वर्टिकल बायस भी सिलेक्ट कर देते हैं लेआउट कंस्ट्रेंट वर्टिकल बायस 0.07। ओके, तो आप देख सकते हो अभी साइन अप फिक्स हो चुका है। अगेन हम टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम हियर शो करने के लिए अगेन एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे, तो मैं जल्दी से यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। विड्थ आपको दे देनी है रैप कंटेंट, हाइट आपको दे देनी है रैप कंटेंट, यहाँ से आपको आईडी डिक्लेयर करना होगा अभी आईडी @ID टेक्स्ट, इसमें हमने आईडी को डिक्लेयर नहीं किया इसलिए हम आईडी को डिक्लेयर कर देंगे @ID टेक्स्ट व्यू। ओके, सेम आपको टेक्स्ट व्यू टू यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू। आपको यहाँ से आपको मार्जिन टॉप सिलेक्ट कर देने हैं, मार्जिन टॉप हम 10 dp यूज़ करेंगे, इसके नीचे रहेगा इसलिए हम यहाँ पे 10 dp इज इनफ। ठीक है, हम यहाँ से टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर देंगे हियर, इसके बाद आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको टेक्स्ट कलर को चूज़ कर देना है, तो टेक्स्ट कलर आपको, सॉरी मिस्टेक हो चुकी है, टेक्स्ट कलर आपको रख देना है #DFE 2E3। ओके, 2E3 ये कलर आपको रख देना, ये देख सकते हो यहाँ पे हेयर शो हो रहा है अभी। अभी हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम टेक्स्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। टेक्स्ट साइज हम रख देंगे 21 SP या DP। ओके, इसके बाद आपको टू एंड ऑफ आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से आपको पेरेंट को सिलेक्ट करना है, सेम आपको टू एंड स्टार्ट ऑफ आपको सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से आपको अगेन पेरेंट सिलेक्ट करना है कंस्टिट्यूएंट टॉप टू बॉटम ऑफ @ID टेक्स्ट व्यू। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन अप हियर का हमारा टेक्स्ट व्यू कंप्लीट हो चुका है। अभी हम एक एडिट टेक्स्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम फुल नेम एंटर करेंगे यूज़र से एंड ईमेल, तो ऐसे हमारे एडिट टेक्स्ट हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ जल्दी से एडिट टेक्स्ट, यहाँ से विड्थ आपको 0 dp सिलेक्ट करनी है एंड हाइट आपको रैप कंटेंट यूज़ करना है। मैं यहाँ से आईडी डिक्लेयर कर देता हूँ ID @ID फुल नेम एंड यहाँ से आपको लेआउट मार्जिन स्टार्ट भी दे देना है, तो मैं यहाँ से लेआउट मार्जिन स्टार्ट दे देता हूँ 16 dp एंड लेआउट मार्जिन एंड भी आपको सिलेक्ट कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सेम आपको 16 dp यहाँ से सिलेक्ट करूँगा
एंड हम इसको वेट भी दे देंगे ईएमएस, तो ईएमएस हम 10 दे देंगे। अगेन आपको यहाँ पे हिंट देना है, एडिट टेक्स्ट तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, तो इसमें क्या रहेगा हमारा हिंट, फुल नेम क्या एंटर करो, तो फुल नेम एंटर करो, तो हिंट एंड फुल नेम एंटर करो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल नेम शो हो रहा है। मैं अभी इसको एंटर कर देता हूँ। इनपुट टाइप मीन्स कोई भी यूजर जब इनपुट करेगा तो उसका कौन सा कीबोर्ड शो होना चाहिए, तो इनपुट टाइप आप क्या रख देंगे, टेक्स्ट पर्सन नेम, तो आप देख सकते हो जो सेकंड में शो हो रहा है इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको पैडिंग दे देनी है। मैं यहाँ से पैडिंग दे देता हूँ 10 dp। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड टेक्स्ट कलर भी हम सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से। टेक्स्ट कलर आपको वाइट लिख देना है, तो मैं वाइट के लिए ट्रिबल एफ आपको यूज़ करना है, हैश ट्रिबल एफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल नेम शो हो रहा है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट कलर हिंट भी यूज़ करना होगा आपको, तो हिंट की कलर कौन सा होना चाहिए, जो यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा होगा उसको हमें चेंज करना होगा थोड़ा डिफरेंट कलर में। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ टेक्स्ट कलर हिंट, एंड इसका कलर हम रखेंगे हैश D8D4D4। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा वाइट कलर में ये आ चुका है। ओके, अगेन हम इसको एंटर कर देते हैं एंड इसका टेक्स्ट साइज जो है थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, तो टेक्स्ट साइज 20 sp, एंड इसको एंटर करेंगे हम एंड टू बॉटम ऑफ आपको करना है सबसे पहले, तो लेआउट कंस्टिट्यूएंट बॉटम पैरेंट आपको सिलेक्ट करना है। अगेन आपको एंटर करना है, टू एंड ऑफ आपको आपको अभी सिलेक्ट करना है एंड इसको भी आपको पैरेंट सिलेक्ट करना है। अगेन एंटर, टू स्टार्ट ऑफ, तो इसको भी आपको अगेन पैरेंट सिलेक्ट करना है। ओके, तो अभी हमें ये जो हमारा टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है वो किसके नीचे लेके जाना है, यहाँ इसके नीचे हमें लेके जाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेआउट टू बॉटम ऑफ, टू बॉटम ऑफ @id एंड इसके नीचे हमारी इसकी आईडी क्या थी, टेक्स्ट व्यू 2। ओके, तो इसलिए हम एंटर करेंगे टेक्स्ट व्यू 2। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल नेम हमारा आ चुका है, एंटर करना है आपको एंड यहाँ से आपको वर्टिकल बायस सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ कंस्ट्रेंट वर्टिकल बायस। ओके, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है 0.13999। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी परफेक्टली आ चुका है। इसको हम क्लोज करेंगे एडिट टेक्स्ट को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा कम्प्लीटली एडिट टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, अभी कॉपी एंड पेस्ट करेंगे एंड यूज़ करते जाएंगे। ओके, मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C से एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम आईडी लिख देंगे, फुल नेम की जगह हम ईमेल अभी एंटर करेंगे क्योंकि सेकेंड टाइम हम ईमेल को यूज़ करेंगे। ओके, एंड जो हमारा टू बॉटम है वो इसके आईडी जो है इसको डाल देंगे हम, तो यहाँ पे आएंगे फुल नेम, टू बॉटम ऑफ फुल नेम, तो आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे फुल नेम एंटर कर दिया तो इसके नीचे आ चुका है। ओके, तो अभी ये बहुत सारी गैप शो हो रही है यहाँ पे, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें वर्टिकल बायस को रिमूव करना होगा एंड यहाँ से टू बॉटम ऑफ को भी रिमूव करना होगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके नीचे आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, मार्जिन टॉप दे देना है यहाँ से, तो मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 16 dp, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली अच्छे से शो हो रहा है। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो हिंट है इसको भी चेंज करना होगा, तो मैं हिंट को यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ ईमेल। ओके, तो आप देख सकते हो अभी कम्प्लीटली अच्छे से शो हो रहा है। अभी हम थर्ड एडिट टेक्स्ट यूज़ करेंगे जो कि पासवर्ड के लिए होगा, तो मैं इसको अगेन कॉपी करूँगा Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, अभी आपको एडिट टेक्स्ट जो है थर्ड वाला ईमेल का, तो इसको चेंज करना होगा आपको एंड इसकी जगह आपको लिखना होगा पासवर्ड। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी आया पासवर्ड। इसके बाद आपको सेम हिंट चेंज करना होगा, तो मैं हिंट यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड
यहाँ पे इसके ऊपर शो हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टू द बॉटम ऑफ फुल नेम की जगह इसका जो आईडी है ईमेल, इसके नीचे हम एंटर करेंगे। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ईमेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से आ चुका है। अगेन आपको सेम कॉपी करना है इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है आपको। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, मीन्स एरर में शो हो रहा है, क्योंकि हमें इसका आईडी चेंज करना होगा। तो पासवर्ड के बाद हम क्या लेंगे, तो फ़ोन नंबर लेंगे, इसलिए हम आईडी लिख देंगे फ़ोन। ओके, एंड हिंट में भी हम चेंज करेंगे फ़ोन। आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन पासवर्ड के ऊपर शो हो रहा है, तो इसलिए हम @ID पासवर्ड के नीचे हम इसको एंटर करेंगे। तो पासवर्ड तो आप देख सकते हो बराबर पासवर्ड के नीचे आ चुका है फ़ोन। ओके, इसके बाद अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है एडिट टेक्स्ट का। अभी हम यहाँ पे एक बटन एंटर करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे, एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बटन को। बटन में आपको सबसे पहले हाइट एंड विड्थ एंटर करना होगा। हाँ, विड्थ हम एंटर करेंगे 0 dp, एंड हाइट रैप कंटेंट आपको रखना है। सबसे पहले तो इसकी आईडी हम डिक्लेयर कर देंगे बटन की, ID @ID रजिस्टर बटन। ओके, इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है, एंड इसके नीचे आपको एंटर करना होगा मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन स्टार्ट। ओके, तो मार्जिन स्टार्ट हम क्या लिखेंगे, 50 dp। तो आईडी में यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो अगेन हम इसको ट्राई करके देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे @ID हमने नहीं दिया, इसलिए एरर शो हो रहा है, @ID रजिस्टर बटन। ओके, एंड मार्जिन स्टार्ट तो हमारा हो चुका है 50 dp। सेम जैसे हमने मार्जिन स्टार्ट लिखे, वैसे यहाँ से भी हमें एंटर करना होगा मार्जिन एंड, इसलिए मार्जिन एंड रहेगा 50 dp। अगेन आपको एंटर कर देना है, एंड इसके बाद आपको मार्जिन टॉप दे देना है, मार्जिन टॉप रहेगी 32 dp। मार्जिन टॉप क्यों 32 dp रहेगी, क्योंकि फ़ोन के नीचे से 32 dp की गैप होनी चाहिए। ओके, इसलिए हमने 32 dp एंटर कर दिया। यहाँ से हमें सबसे पहले अभी टेक्स्ट ले लेना है बटन का, जो भी रहेगा। तो टेक्स्ट में क्या रहेगा हमारा, रजिस्टर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रजिस्टर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा कम्प्लीटली अच्छे से बटन जो है वो शो हो रहा है। इसके बाद अभी हमें टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना होगा, तो टेक्स्ट साइज हम 20 sp लिख देंगे, तो 20 sp। ओके, अगेन इसको हमें एंटर करना होगा, एंड यहाँ से आपको पैडिंग दे देना है, तो मैं यहाँ से पैडिंग दे दूंगा 10 dp। तो आप देख सकते हो पैडिंग देने के बाद यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज साइज हो चुका है। एंड अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे टू एंड ऑफ कर देंगे। ओके, टू एंड ऑफ कंस्टेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। सेम हमें स्टार्ट को करना है आपको, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है, एंड यहाँ से आपको टू बॉटम ऑफ करना है। टॉप टू बॉटम ऑफ किसके करेंगे हम, तो इसके नीचे हमारा शो होना चाहिए फोन के नीचे, इसलिए हम यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फोन। तो मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ फोन। तो आप देख सकते हो अभी हमारा अच्छे से यहाँ पे बटन शो हो रहा है। ओके, तो अभी हमें टेक्स्ट व्यू को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन रहना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे यहाँ से इसको टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट कर दूंगा, टेक्स्ट व्यू। एंड विड्थ आपको सबसे पहले रखनी है रैप कंटेंट, एंड सेम आपको हाइट भी रखनी है रैप कंटेंट, एंड आईडी आपको रख देनी है क्रिएट टेक्स्ट। क्रिएट टेक्स्ट, ओके, एंड इसके बाद आपको मार्जिन टॉप दे देनी है, मार्जिन टॉप आपको एंटर करना होगा 18 dp, क्योंकि ये जो रजिस्टर बटन है उसके नीचे हमारा जो भी टेक्स्ट है वो शो होगा, एंड इसके बीच में गैप रहेगी, मार्जिन टॉप 18 dp। ओके, तो अभी हम सबसे पहले टेक्स्ट को एंटर कर देंगे, टेक्स्ट ऑलरेडी अकाउंट।
ऑलरेडी अकाउंट। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग इन हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है हमारा ऑलरेडी अकाउंट क्वेश्चन मार्क लॉग इन हियर। तो अभी हमें सबसे पहले इसका टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करना होगा, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करूँगा, टेक्स्ट साइज 17 dp। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको चेंज करना है टेक्स्ट कलर, तो आपको टेक्स्ट कलर देना है हैश FF BF and 00, आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। ओके, अगेन आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको टू एंड ऑफ आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, एंड यहाँ से आपको पेरेंट को सिलेक्ट करना होगा, अगेन आपको टू स्टार्ट ऑफ, तो यहाँ से आपको सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ को सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ से आपको भी पेरेंट को सिलेक्ट करना होगा। अगेन एंटर करेंगे हम एंड किसके नीचे हमारा होना चाहिए, तो रजिस्टर के नीचे, इसलिए हम क्या करेंगे लेआउट कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ। ओके, तो किसके नीचे @ID रजिस्टर बटन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट हो रहा है ऑलरेडी अकाउंट लॉग इन हियर। ओके, यहाँ पे अभी हम प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई भी रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे प्रोग्रेस शो होना चाहिए, इसलिए अभी हम इसमें प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ प्रोग्रेस बार एंड विड्थ आपको लिख देनी है सबसे पहले रैप कंटेंट एंड हाइट आपको सेम सिलेक्ट करना है रैप कंटेंट। ओके, एंड विजिबिलिटी सबसे पहले मैं इनविजिबल कर देता हूँ, विजिबिलिटी इनविजिबल। ओके, एंड ID हम यहाँ से डिक्लेयर कर देंगे @ID प्रोग्रेस बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेस बार है बट हमने विजिबिलिटी इनविजिबल कर दिया इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। एंड यहाँ से हम स्टाइल को सिलेक्ट कर देंगे, स्टाइल इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करना होगा बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट एंड इसको आपको एंटर करना है एंड टू एंड ऑफ यहाँ से भी आपको सिलेक्ट करना है पेरेंट, अगेन आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको टू स्टार्ट ऑफ भी सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है पेरेंट। ओके, अगेन आपको टू बॉटम ऑफ, किसके बॉटम ऑफ होना चाहिए, तो यहाँ से आपको सबसे पहले बॉटम ऑफ किसके नीचे होना चाहिए, तो क्रिएट टेक्स्ट के नीचे, क्योंकि ये जो हमारा है इसको हमने ID दी थी क्रिएट टेक्स्ट, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे @ID क्रिएट टेक्स्ट। इसके बाद आपको एंटर करना है एंड वर्टिकल बायस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, वर्टिकल बायस आपको लिख देना 0.26 एंड यहाँ से प्रोग्रेस बार को भी क्लोज कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है XML पार्ट का, साइन अप पेज का। ओके, अभी हम बैक एंड पार्ट का वर्क करेंगे, तो अभी हम सबसे पहले एक्टिविटी रजिस्टर में चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये रजिस्टर एक्टिविटी हमने ओपन कर दिए एंड इसको हम सबसे पहले अभी हम एक एक एडिट टेक्स्ट बटन टेक्स्ट व्यू प्रोग्रेस बार को डिक्लेयर करेंगे। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, तो ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है इन सभी एडिट टेक्स्ट को हम डिक्लेयर करेंगे, बटन को डिक्लेयर करेंगे, टेक्स्ट व्यू को डिक्लेयर करेंगे एंड प्रोग्रेस बार को डिक्लेयर करेंगे। तो हम आ जाते हैं register.java में एंड यहाँ से हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी सबसे पहले इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इंटरनेट का कोई भी वर्क नहीं है अभी। इसके बाद आपको एम फुल नेम लिख देना है, एडिट टेक्स्ट एम फुल नेम, ये किसके लिए, तो नेम के लिए। ओके, तो इसका हमने नेम लिख दिया एम फुल नेम एंड सेम हमें ईमेल के लिए करना होगा, पासवर्ड के लिए एंड फ़ोन नंबर के लिए। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, एम ईमेल कॉमा देंगे हम एंड सेम पासवर्ड के लिए एम पासवर्ड एंड फ़ोन के लिए भी हमने कर दिया। अभी हम बटन सिलेक्ट करेंगे यहाँ से बटन एंड बटन को हम देंगे एम रजिस्टर बटन। एंड यहाँ से हम सेमी कॉलम से इसको क्लोज करेंगे, सेम हम टेक्स्ट व्यू को भी करेंगे
टेक्स्ट व्यू, एम लॉगिन बटन। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा टेक्स्ट व्यू को। तो मैं इसको स्मॉल एम दे देता हूँ, एम लॉग इन बटन, ओके। एंड सेमी कॉलम से भी इसको क्लोज करना है। यहाँ से आपको प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट करना है, प्रोग्रेस बार, एंड प्रोग्रेस बार से इसको अगेन आपको यहाँ पे नेम दे देना है, ओके। तो आप देख सकते हो हमने एडिट टेक्स्ट बटन टेक्स्ट व्यू प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी हम इसको यहाँ से डिफाइन करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी से। तो सबसे पहले हम एम फुल नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट फुल नेम। ये कहाँ से आई हमारा फुल नेम? हमने ये फुल नेम की आईडी डिक्लेयर दे दी थी, ओके। आईडी फुल नेम, सेम आपको ईमेल के लिए भी सिलेक्ट करना होगा। तो एम ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ईमेल, अगेन आपको सेमी कॉलम दे देना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी एंटर करना है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, एंड एम फुल नेम की जगह यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करेंगे? एम पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ से हम पासवर्ड का आईडी डिक्लेयर कर देंगे पासवर्ड। एंड इसके बाद पासवर्ड के बाद हम फ़ोन को डिक्लेयर करेंगे एम फोन, एंड सेम यहाँ से भी आपको फ़ोन को सिलेक्ट करना है फोन। अगेन यहाँ से आपको अभी देखो अभी हमारा एडिट टेक्स्ट का तो वर्क हो चुका है, अभी हम बटन को डिक्लेयर करेंगे। तो बटन को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एम रजिस्टर बटन एंड फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट क्या आएगा हमारा रजिस्टर बटन। सेम इसके बाद एम लॉगिन बटन जो टेक्स्ट व्यू है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एम लॉगिन बटन। यहाँ से अभी हम चेंज करेंगे इसको एम लॉगिन बटन से, हम आईडी देख लेंगे सबसे पहले जो हमारा बटन है उसको हमने कौन सी आईडी दी थी। तो हमने बटन को रजिस्टर बटन के नेम से आईडी दी थी, तो इसलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रजिस्टर बटन, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार को डिफाइन करेंगे। तो प्रोग्रेस बार को डिफाइन करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट प्रोग्रेस बार। तो आप देख सकते हो हमने प्रोग्रेस बार को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है जो डिफाइन हमें करना था, एडिट टेक्स्ट को, बटन को, टेक्स्ट व्यू को एंड प्रोग्रेस बार को, हमने यहाँ पे इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन लिसनर यूज़ करेंगे। मीन्स कोई भी यूज़र अगर लॉग इन हेयर पर क्लिक करता है तो कहाँ पर जाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसमें हम क्लिक ऑन लिसनर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एम लॉग इन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे हम न्यू का यूज़ करेंगे एंड खुद ब खुद मेथड इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो एम लॉग इन बटन में खुद ब खुद मेथड आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे इंटेंट का यूज़ करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, एंड जिस एप्लीकेशन में है उस एप्लीकेशन का नेम, इसलिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एंड किस एक्टिविटी में जाना है हमें, जैसे कोई यूज़र आएगा तो लॉग इन हियर पे क्लिक करेंगे तो हमें लॉग इन में जाना है। तो लॉग इन डॉट क्लास में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, लॉग इन डॉट क्लास। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली एम लॉग बटन का जो क्लिक ऑन लिसनर है उसको हमने कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया, ओके। इसके बाद अभी हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना होगा, हमें अभी स्ट्रिंग को यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ जल्दी से पब्लिक स्टैटिक। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक, फाइनल कर देना आपको स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल स्ट्रिंग टैग इज इक्वल टू एंड टैग, आपको कैपिटल में टैग लिखना है
एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। अभी हमने स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया है यहाँ पे। अभी हमें एम रजिस्टर बटन पे कोई क्लिक करेगा, मीन्स मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, जैसे कोई रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, हम उसकी जावा कोड को क्रिएट करेंगे। तो हम एम लॉग इन बटन के नीचे आएंगे और यहाँ पे टैप करेंगे एम रजिस्टर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ईमेल को लेंगे, पासवर्ड को लेंगे एंड नेम एंड फोन नंबर को लेंगे। तो इसलिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे, फाइनल स्ट्रिंग। आपको यहाँ से कैपिटल स्ट्रिंग यूज करना है, मीन्स कैपिटल एस स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू एम ईमेल जो हमने ईमेल ऊपर में लिया है, एम ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, मीन्स हम यूजर से लेंगे। ओके, इसलिए यहाँ पे आएगा गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ओके, तो आप देख सकते हो हमने ईमेल के लिए तो ले चुका है। अभी हमें सेम पासवर्ड के लिए यूज करना होगा, तो स्ट्रिंग पासवर्ड, तो मैं यहाँ से नेम लिख देता हूँ, पासवर्ड इज इक्वल टू एम पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट, मीन्स हमें यूजर से पासवर्ड लेना होगा, इसलिए हम यूज कर रहे हैं गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में यूज करना है डॉट ट्रिम। ओके, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना है। अगेन हमें फुल नेम को यूज करना है, फाइनल स्ट्रिंग फुल नेम, मैं नेम दे देता हूँ इज इक्वल टू एम फुल नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड इसको अगेन आपको इसको क्लोज कर देना है। सेम अभी हमें फोन नंबर भी यूज करना होगा, तो इसलिए हम कोड लिखेंगे फाइनल स्ट्रिंग फोन इज इक्वल टू एम फोन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हो हमने ईमेल पासवर्ड नेम एंड फुल नेम के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़र से ले लिया। तो हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे, अगर कोई ईमेल एम्प्टी होता है तो हम वहाँ पे लिखेंगे ईमेल इज़ रिक्वायर, पासवर्ड अगर एम्प्टी होता है तो पासवर्ड इज़ रिक्वायर, हमें ऐसा डिफाइन करना होगा। तो इसलिए मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ टेक्स्ट यूटिल्स टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी ईमेल तो आप देख सकते हो हमने ईमेल की कंडीशन यूज कर दी है। तो एम ईमेल डॉट सेट एरर, सेट एरर तो एरर का आपको सिलेक्ट करना है, ऐसे मैसेज हमें डालना होगा ईमेल इज रिक्वायर एंड रिटर्न आपको कर देना है, यहाँ से रिटर्न। सेम आपको यहाँ पे इफ कंडीशन में यूज करना है, इफ टेक्स यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी एंड यहाँ से आपको पासवर्ड दे देना है, मीन्स अगर पासवर्ड कोई एम्प्टी है तो हमें क्या मैसेज शो करना है वो यहाँ पे हमें एंटर करना है। तो सेम हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे एम पासवर्ड डॉट सेट एरर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी एंटर कर दिया, बट यहाँ पे हमें रिटर्न भी करना होगा। मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ रिटर्न। ओके,
अभी ये तो वर्क हो गया ईमेल एंड पासवर्ड के लिए। हमें अभी पासवर्ड डॉट लिंक के लिए भी क्रिएट करना होगा। मीन्स कोई यूज़र अगर छोटा सा पासवर्ड रखता है 6 डिजिट के नीचे का, तो उसके लिए भी हमें एरर शो करना होगा। इसलिए हम इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ पासवर्ड डॉट लिंक लेस देन 6, मीन्स 6 के नीचे रहा तो हम कंडीशन क्या लिख देंगे, तो हम कंडीशन को प्रेस करेंगे ऐसे, एम पासवर्ड डॉट सेट एरर, हमें क्या मैसेज शो करना होगा, सेट एरर पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 6 कैरेक्टर। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे डबल कॉलम लिख दिया एंड पासवर्ड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6 कैरेक्टर को यूज करना होगा एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना है एंड सेम आपको रिटर्न कर देना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। एंड अभी हम प्रोग्रेस बार को यूज़ करेंगे। ये होने के बाद प्रोग्रेस बार विजिबल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमने कम्प्लीटली वर्क कर दिया है। जो भी हमारा एम लॉग लॉगिन बटन का था, जो रजिस्टर बटन था, वो हमारा वर्क हो चुका है। बट अभी हमें फायरबेस का यूज़ करना होगा। मीन्स हमें यहाँ से जो डेटा है वो रिट्राइव करना होगा फायरबेस में, तो उसके लिए हमें फायरबेस का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।